कर सकता है। मैं तो ब्राह्मण परिवार से हूँ, लेकिन ये है कि हमारा नाक आदमी, ये डान है, माफिया है, ये है वो, इसी दुकान में बैठे थे, मुझे देखे, अरे गजा सुनो 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 क्या बात है, ये दूध रात के दुकान में बैठे थे, प्यार में बंद किया, प्यार में बंद हुआ, अभी आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं है जो किसी भी त्योहार में इस तरह से दुकान बंद होती है। इतना उनसे मतलब मोहब्बत है, सबको एक लाख है, वो यहाँ के बहुत चहेते हैं भाई, जिसके लिए है जहाँ जिस दुनिया में उसकी बात अलग है, पर्सनल यहाँ की बात है, कोई उनसे दूरी नहीं बनाता है, उनको कोई बात होता है तो उनके आता है, उनसे बात करता है, कहीं भी रहते हैं बात करते हैं, पूछते हैं, कभी भी छूट के आए तो पूछे, हम तो उनके साथ खेले हैं, उनके साथ पढ़े हैं, तो हमसे पूछे, हमारा नाम गजानंद तिवारी है, पूछे, अरे गजा कुछ बात नहीं बताते हो, कुछ कहीं कुछ भी होता है तो बताते नहीं हो, हमके क्या बताए हो, सब ठीक है, हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि उन्हीं लोगों का तो है पूरा, ये पहले के जमींदार हैं यहाँ के पूरे कस्बे की, बात जिसके लिए है जिस दुनिया में है उसकी बात अलग है, कोई भी एक ही रहना चाहता है, किसी भी आ जाते हैं, पूर्वांचल में दबदबा है, मुख्तार अंसारी माफिया डान है, भाई डान कहना तो बात अलग है, डान है, लेकिन जिस किस्म के आदमी है जिसके साथ वो, मतलब जी बहुत गरीबों लोग आते थे यहाँ पे, हर तरह से सहायता करते थे, शादी विवाह, अब देखिए वो दुनिया जयराम के, दुनिया जो है ना जयराम की दुनिया, ये दो आदमी तीन आदमी ठीका हो चाहे कुछ भी, उसमें चाहता है वर्चस्व की लड़ाई है, तो कोई निकल जाता है, कोई फेल हो जाता है, अब उसमें उसको कोई कहे कि भाई ये खतरनाक आदमी, ये डान है, माफिया है, ये है वो है, इसकी बात अलग है, ठीक है ना, क्योंकि वो उन्हीं के लिए है, यहाँ के लोगों के लिए तो एकदम मस्त आदमी है, कोई तरह का कोई शिकायत नहीं कर सकता है। मैं तो ब्राह्मण परिवार से हूँ, लेकिन ये है कि हमारा कोई भी काम इनके पिताजी से, इनके भाई साहब से कोई भी काम रुकता, हम लोग जाते हैं बात करते हैं, हमारी सिस्टर इनके सिस्टर के साथ पढ़ी है, हम इनके साथ पढ़े हैं, यही अंसारी स्कूल में हम लोग हाई स्कूल से पढ़ते थे, सिक्स क्लास से पढ़ते थे, दूर दूर तक हम क्रिकेट खेले इनके साथ, बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं, बहुत अच्छे शूटर भी, पतंगबाजी भी किए इनके साथ हम, तो हमारी तो छड़े इनके साथ हमेशा बीती, जब तक थे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता तो हमसे पूछते थे, छूट के आते थे, टाटा से छूट के आए थे, एक बार यही मिठाई की दुकान में बैठे थे, मुझे देखे, अरे गजा सुनो 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 क्या बात है, यही दूध रात के दुकान में बैठे थे, यहीं पे आओ ठंडा पियो, ये हम उनके साथ बैठे, कुछ तुमको दिक्कत नहीं होता है, हम कहीं दिक्कत होगा क्या, आप है ना, कोई दिक्कत होगा तो हम बताएंगे आपसे, क्योंकि हम लोगों का ऐसा व्यवहार है पूरा, यहाँ के यूसुफ मोहम्मद के लोग जानते हैं हमको, तो हमको भी जानते हैं लवी लोग, तो मैं कोई गलत काम तो करते यहाँ पे, ये होता है कि इनको कोई यहाँ पे कोई बाहर के लोग आते हैं सताने के लिए, तो ये हेल्प करते हैं, अब इनके वजह से कोई दूसरे लोग आके यहाँ दबदबा नहीं बना सकता था, तो मैं क्यों कहूँ भाई, जब तक थे अब दूसरे दुनिया में चले गए तो बात उसकी अलग है, क्योंकि अगर वहाँ से निकलते अगर शरीफ की जिंदगी भी जिएंगे वो, तो मारे जाए थे, पहले भी मारे जाते, शरीफ की जिंदगी जी नहीं सकते थे ये, इनके साथ हजारों लोग हैं, हजारों माताएं बहनें, लोग गरीब किस्म के हैं, इनका हेल्प इसी अपने घर पे ही करते थे, बुला के और देते थे 5,000, 7,000, 10,000 शादी के लिए, और क्या, इनसे ये गलत बात है कि कोई कहता है कि जिसके लिए है उसके लिए है, इसलिए कि दुनिया अलग है, ठेकेदारी है, हर चीज का है, इसमें तो भाई दबदबा चाहिए ही ना, अब उसको कोई गलत तरीका से करे तो बात अलग है, अगर इनकी जान चली गई होती पहले तो क्या होता बताइए, भाई जान की परिवार हाँ। परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं, हाँ लगा रहे थे कि जो है स्लो पॉइजन दिया जा रहा, इस तरीके से बातें हो रही थी परिवार की तरफ, देखिए इस बात को तो इन्होंने, इनके बड़े भाई साहब ने भी किया था, इससे पहले भी 40 दिन पहले कहा था, इनकी वीकनेस होती जा रही थी, कमजोरी होती जा रही थी, तो कमजोरी होने का कारण क्या है, ऐसे ये दिल के बड़े आदमी थे, मजबूत आदमी थे, हम लोग जानते थे, मस्त आदमी थे ये, और वहाँ पे धीरे धीरे अगर कुछ ना कुछ दिया जाता होगा तो वो तभी तो हम लोग तो देखे नहीं है, सुने हैं, माकूल इनकी इलाज पहले बार ही में जब हुआ होता, अच्छी इसको हॉस्पिटल मिला होता, ओपल ओपल जैसे यहाँ पे दिल्ली उल्ली ले जाए गए होते तो बच गए, ये दिन नहीं देखा गया होता, तो कुछ ना कुछ तो है, सरकार की चाल है, कुछ ना कुछ तो है भाई, इससे तो कोई पल्ला झाड़ नहीं सकता है, इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी इनके बेटे से बात हुआ था, मैं सुना था वीडियो रिकॉर्डिंग में, अपने टीवी पे देखा था, ये मोबाइल से बात हो रहा था, कल का ये परसों कल का उनकी बहू बात की, 3:30 बजे आपकी आवाज बहुत हल्का हम सुन भी रहे थे, उनकी आवाज लग रहा था कि कप कपाने जैसा लग रहा था, बाबू बाबू करके बोल रहे थे,
कह रहे हैं कि हमको थोड़ी थोड़ी देर में गश्ती ऐसा आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? वीकनेस की वजह से। माकूल भोजन इनको मिलता, इनकी दवा अच्छी तरह से होती, तो आज ये परिस्थिति में नहीं होते जो हो चुका है। यही बात है, मेरे दोस्त थे, चले गए हमसे पहले, हमारे उम्र के थे। इनके परिवार से भी मेरा संबंध है, मेरे पिताजी से भी, इनके पिताजी सुभान चचा से भी हम लोगों का संपर्क बहुत पहले से। इनकी सिस्टर हमारी सिस्टर के साथ लेके जाती थी, यही अंसारी स्कूल में पढ़ते थे। तो भाई देखिए, बहुत शुरू से हम लोग जानते हैं, आज से नहीं, जब से मेरे पैदाइश हुई तब से मैं इन लोगों से संबंधित हूँ और मैं इनके बगल का ही रहने वाला हूँ, इसलिए ये अच्छे आदमी थे हम लोगों के लिए। बाकी दुनिया से मतलब क्या है हम लोगों को? प्रॉपर हमको यूसुफपुर मोहम्मदाबाद डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर मऊ तक मान लीजिए, आजमगढ़ तक मान लीजिए, कोई कहने वाला नहीं हमको। मार्केट में तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की दुकानें हैं और सभी जो है बंद हैं, सब बंद है। ये देखिए, प्यार से बंद है, इनके सहानुभूति में, डर से नहीं। लोग कह रहे हैं कि डर से बंद, डर से बंद नहीं है, इनके सहानुभूति में बंद है। चाय तक की एक दुकान, देखिए कोई भी ऐसा त्योहार नहीं है जिसमें दुकान न खुलता हो किसी न किसी का, लेकिन आज ये पहली बार ऐसा हुआ है। इतने दिनों के बाद हम देखे, मेरी भी उम्र 60-61 का हो रहा है, ये आज तक ऐसी बंदी नहीं होती जो स्वेच्छा से बंद किए हैं लोग, अपने से बंद किए हुए, सबसे बड़ी बात ये। इतना हुजूम लगा है सुबह से, आप देख रहे हैं ये हुजूम कैसे लगी है। यहाँ करेल क्षेत्र से अलग अलग बिरादरी के लोग भी इनको मानते हैं। अब देखिए वो झगड़ी वाली बात जो अलग अलग है, जैसे मान लीजिए कि वो अगर वो नहीं सक्रिय होते तो भी मारे जाते, तो जंगल में तो कहने को होता ना कि जो तगड़ा होता है वही रहता है, तो दुनिया अलग है, ठीक है ना, ठेकेदारी है चाहे हर चीज में, ये सब में होता रहता है। पर्सनल लाइफ में हम लोग कभी कोई दिक्कत इनसे नहीं हुआ, हेल्प मिला है, ठीक है, लोगों को हेल्प किए हैं। हाँ बिल्कुल किए हैं, अरे भाई कौन नहीं कहेगा। तो बगल में कोई भी बात होता था, रात के 12 बजे कोई काट देता था, कुत्ता अगर काट देता तो हम लोग टेंशन लगवाते थे, यहीं पे इनके अब्बा लगाते थे। और क्या, शिवगत भाई भी है इनके बड़े, लगता है अभी भी लगता है, फैसला होता था पहले कौन जाता था जेल में, दो भाई तीन भाई अगर घर में झंझटे थे यही फैसला होता था, यही करते थे, यही हो जाता था, जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, समझाते थे, लोग मानते थे उनको, संत जैसे इनके अब्बा तो संत जैसे थे, संत जैसा उनका पहनावा, एकदम वही गेरुआ वस्त्र पहनते थे, बैठते थे वही चौकी पर। क्या कहा जाए, अब इतने जल्दी में इतना ही ऊपर हो गए, दिल के बड़े आदमी थे। बहुत दुख है लोगों के अंदर, बहुत तमाम लोग आ रहे हैं दूर दूर, बहुत दुख है। सब काम काज छोड़ के आज ठेले वाला तक नहीं लगाया अपना, जो डेली मतलब कुआं खोदता है पानी पीता है, एक ठेला वाला बेच के ही अपना तो रोजी रोटी चलता है परिवार का, उसका वो भी नहीं लगाया है। कच्चा सौदा है, सेब है संतरा है, ये सब नुकसान हो तो हो, लेकिन बंद तो बंद, एक क्षण के लिए उसका झलक पाने के लिए सब लोग खड़े हैं, चाहे 12 बजे आ जाएं, 1 बजे आ जाएं, 2 बजे आ जाएं, लेकिन उनका झलक देखने के लिए, यही बात है तो कुछ हस्ती तो है ही। चलिए, यहाँ पर लोग थे अभी, चाचा जी हैं जो बता रहे हैं कि उनके साथ में रहे हुए हैं और तमाम बातें बता रहे थे, तो चलिए यहाँ से तमाम हमारी कवरेज आप लोग देख रहे हैं। इस समय मेरी मौजूदगी है मोहम्मदाबाद में उसी फाटक पर जहाँ पर उनका घर है, और ये अब जो है रात के कब तक उनकी जो डेड बॉडी है वो आती है तब तक लोग इंतजार कर रहे हैं उनके एक अंतिम दर्शन के लिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।